कि बच्चे को इतना सिखाया जाए, इतना उसको तैयार किया जाए कि उसमें उसके मन में ये भावना आ जाए जी। कि मैं एक दिन अपने देश का नाम रोशन करूँ, शायद हो सकता है मैं एक मेडल भी हासिल करूँ। मुझे ये तो श्योर नहीं था कि वो गोल्ड ही होगा, बट मैंने मेहनत करी थी तो कहीं ना कहीं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ हमने अपनी परफॉर्मेंस। सर स्कूल का नाम सुना था हमने कि राय सिंह साहब हैं, बहुत अच्छा गेम कराते हैं। रूबीना का भी सुना था, खुशी बाबडोली के बारे में भी सुना था, इसलिए हम हिसार से यहाँ आए थे। सबसे पहली बात तो हमने दूसरे प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों का एडमिशन करवाया, लेकिन वहाँ खेलने की सुविधा नहीं है कहीं पर भी जी। इस खेल की सुविधा को देखते हैं कि बच्चे के लिए खेल जरूरी होता है, पढ़ाई के साथ साथ खेल जरूरी। और मैं कहना चाहूँगा इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राय सिंह सर जी को एक बार पता लग जाए कि इस बच्चे में प्रतिभा इस तरह की, उसके बाद उसको निखारने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। मैंने देखा है कि सर्दी का मौसम चाहे गर्मी का मौसम, जब भी हम स्कूल में आते हैं तो सर इन खिलाड़ी बच्चों के साथ ग्राउंड के अंदर ही रहते मौजूद। 1% के गैप पे भी 6 बच्चे थे जी। 96 से और 95 के बीच में 6 बच्चे हैं, और हमेशा एकेडमिक्स के अंदर IIT हो, नीट हो या NDA हो, सभी के अंदर बच्चे हमारे लगातार सिलेक्शन दे रहे हैं। सर एकेडमिक्स में मैं नहीं, क्योंकि हमेशा जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं वो अच्छी बात बताते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ जब पेरेंट्स बोलते हैं तब स्कूल का कुछ अच्छा सामने आता है। तो मुझसे ना पूछ के पेरेंट्स से पूछिए कि हमारे स्कूल एकेडमिक्स में कहाँ है, और आप यहाँ देख सकते हैं एकेडमिक्स में फुल आउट ऑफ फुल बच्चे ले रहे हैं, 100 out of 100। और ये मेरा वादा है कि मेरे पास जो भी मैदान में आएगा उसको इतना तैयार कर दूंगा कि वो हमारे प्रदेश का नाम अपने देश में जरूर करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज से सिर्फ 3 दिन पहले मैं इसी स्कूल में आया था, राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, रेवाड़ी ज़िले का दड़ोली गांव के अंदर ये स्कूल है। और सिर्फ 3 दिन पहले जब मैं आया था तो इन्हीं बच्चों का जो विश्वास है मैंने देखा था। उस समय पर इन्होंने बात की थी कि हम एक मेडल ज़रूर लेकर के आएंगे, लेकिन उस समय पर मैंने भी नहीं सोचा था कि क्या ये गोल्ड मेडल लेकर के आ सकते हैं। अभी सर ने बताया कि नेशनल मीट थी 32 नॉर्थ जोन की, और वहाँ पे इन बच्चों ने गोल्ड मेडल लिए। हाई जंप की अगर बात की जाए तो हाई जंप के अंदर इन बच्चों ने नेशनल गोल्ड लिए हैं, और उसी के ऊपर आज चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इनके जो डायरेक्टर सर हैं वही इनके कोच हैं, उनसे भी बात करेंगे और इन बच्चियों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा यहाँ पे होता है कि ऐसी एक नर्सरी तैयार की जाती है कि बच्चे गोल्ड से नीचे रुकते ही नहीं हैं। सर सबसे पहले तो आप बताएँ, क्या इन बच्चों को आप ऐसा सिखाते हैं कि बच्चे गोल्ड से नीचे नहीं रुकते? मेरा जो सपना है वो यही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का बच्चा अपने पूरे हरियाणा में नाम करे और पूरे देश में नाम करे। तो हमने ऐसे बच्चे तैयार करते हैं, हमारे मन में एक झलक होती है कि बच्चे को इतना सिखाया जाए, इतना उसको तैयार किया जाए कि उसमें उसके मन में ये भावना आ जाए जी। कि मैं एक दिन अपने देश का नाम रोशन करूँगा, और यही काम इन बच्चों ने किया, इनको इस ढंग से हमने तैयार किया। और ये मेरा वादा है कि मेरे पास जो भी मैदान में आएगा उसको इतना तैयार कर दूँगा कि वो हमारे प्रदेश का नाम अपने देश में जरूर करेगा। बेटा आप बताएं, जब 3 दिन पहले मैं आया था तो क्या आपको विश्वास था कि आप गोल्ड लेंगे? सर ये तो पूरा विश्वास था कि नेशनल है, मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी और शायद हो सकता है मैं एक मेडल भी हासिल करूं। मुझे ये तो श्योर नहीं था कि वो गोल्ड ही होगा, बट मैंने मेहनत करी थी तो कहीं ना कहीं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ हमने अपनी परफॉर्मेंस दी। और एग्जामिनेशन डिपेंड्स अपॉन लक एंड चांस, लक एंड चांस भी था, हार्ड वर्क भी था, और सब हमारे फेवर में रहा और मुझे वहाँ पर गोल्ड मिला। स्कूल के बारे में और सर के बारे में क्या कहना चाहते? सर ने तो खैर बिल्कुल हमें जैसे क्ले मॉडल होते हैं बिल्कुल मिट्टी से बनाया जाता है, सर ने तो हमें बिल्कुल ज़मीन से उठाकर नेशनल तक पहुंचाया है। सर ने बहुत ज़्यादा इनकी डिवोशन हार्डवर्क रही है हमारे पीछे, और स्कूल हमारा स्कूल हमेशा से ही बच्चों को किसी भी फील्ड में वो आगे जाना चाहते हों हमेशा उन्हें सपोर्ट करता आया है। स्कूल से हमें किसी तरह का प्रेशर नहीं होता कोई, और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है। अब आगे आप अपने फ्यूचर को कहाँ देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले नेशनल मेडल हासिल करना मेरी एक तमन्ना रही है, नॉर्थ जोन से वो सपना पूरा हो गया। अब मैं चाहूँगी आगे जूनियर नेशनल और इस तरह के आगे और भी बड़े टूर्नामेंट्स में मैं मेडल हासिल करूँ। फिर सर का जो सपना रहा है कि उनके सिखाए हुए खिलाड़ी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पर जाएँ, एशियन कॉमनवेल्थ ओलंपिक खेलें, तो मेरा सपना वहाँ तक पहुँचने का है। धन्यवाद बेटा, आप बताएं इतना विश्वास कहाँ से आता है?
सर हमारे सर हमेशा सिखाते हैं कि अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, कभी डरना नहीं होता है ऐसे। तो इसी वजह से आप लोगों के अंदर विश्वास आता है सर की आप बातें यहाँ पे कर रहे हैं, तो सर ही सब कुछ यहाँ पे सिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। सब बच्चे सब नहीं, सभी बच्चे सारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं जी। तो एक तरीके से हम यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करते हैं तो बच्चों के अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, वो देखते ही बनता है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया कि सिर्फ 3 दिन पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो उस समय पे मैंने देखा था कि इनके अंदर जो जज्बा है वो बहुत है। लेकिन इस तरीके से जो गोल्ड मेडल अगर इस स्कूल के नाम पे आते रहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इस स्कूल के बारे में सुना था कि खेल के बारे में कुछ ज़्यादा ही स्कूल आगे है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ आने के बाद भी देखते हैं तो वो यहाँ भी मिलती हैं। राव निहाल सिंह ये स्कूल है और यहाँ पर इस तरीके से जो माहौल बच्चों के लिए तैयार किया जाता है तो वो आपके सामने है। बाकी आप इन चीज़ों को सोच सकते हैं और खुद आकर के एक बार यहाँ पे देख सकते हैं क्या सच में आपके बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है। गोल्ड मेडल जिन बच्चों ने लिया है उनके माता पिता हमारे साथ हैं, दोनों ही बच्चियाँ इन्हीं माँ बाप की बच्ची हैं, दोनों सगी बहनें हैं, तो इन्हीं से हम पूछ लेते हैं। सर आप बताइए, स्कूल के अंदर आपने अपने बच्चों को भेजा तो क्या सोच के भेजा था और आज क्या पाया? सर स्कूल का नाम सुना था हमने कि राय सिंह साहब हैं, बहुत अच्छा गेम कराते हैं, रूबीना का भी सुना था, खुशी बाबडोली के बारे में भी सुना था, इसलिए हम हिसार से यहाँ आए थे। मैं पुलिस विभाग में नौकरी करता हूँ, पोस्टिंग मेरी कोसली थाने में है फिलहाल, तो इस बात के लिए कोसली रहते हैं हम और यहाँ बस से अप डाउन करते हैं, इसीलिए आए थे। और अब जो हम सोच के आए थे वो सपना साकार हो गया। बच्चे दोनों लड़कियाँ हैं, दोनों ने गोल्ड मेडल लिया अभी नॉर्थ जोन में। तो आप अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि दोनों बच्चियां आपकी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया? जी मैं पूरा जोर गेम के लिए लगाता हूं जी, खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ता और हरदम मोटिवेट करता रहता हूं गेम के लिए, भाई ऊपर बढ़ो। तो आप देख सकते हैं कि माँ बाप भी इतने कॉन्फिडेंट हैं और वो भी बता रहे हैं कि हमेशा इनको मोटिवेट करते रहते हैं कि बेटा खेल के लिए आप जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे बढ़ें। तो आज के ज़माने में अगर आप सिर्फ ये कहें कि पढ़ाई से ही सब कुछ होता है तो ऐसा नहीं है। आज माँ बाप की सोच भी बदल रही है और वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर जाएं और वहाँ भी उतना ही अपना नाम करें जितना कि एकेडमिक्स के अंदर करते हैं। तो ये इनके माता पिता हैं और ये वही माता पिता हैं जिनके बच्चों ने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और स्कूल के अंदर कितना कॉन्फिडेंस इन बच्चों को आगे बढ़ाने का रहा है। और भी जो अभिभावक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं और साथ में जो वाइस प्रिंसिपल हैं स्कूल के वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, आपके बच्चे भी शायद यहीं इन्हीं स्कूल में पढ़ते होंगे, तो इस स्कूल के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कितनी मेहनत यहाँ पे करवाई जाती है? और आज भी आपने देखा कि जो बच्चे यहाँ पे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए मेरे 4 बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो हमने दूसरे प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों का एडमिशन करवाया लेकिन वहाँ खेलने की सुविधा नहीं है कहीं पर भी जी। इस खेल के सीधा को देखते हैं कि बच्चे के लिए खेल ज़रूरी होता है, पढ़ाई के साथ साथ खेल ज़रूरी है। मेरे बच्चे हैं, मेरी पोती है जी। खुशी वो भी इस टूर्नामेंट में शामिल है लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो आगे नहीं जा पाई। मैं समझता हूं कि ये जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में खेल के उसमें जो स्कूल है ये पहले स्थान पर है, इतनी सुविधा किसी स्कूल में नहीं है। जो यहाँ का डायरेक्टर और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ये इस काम में बहुत ही रुचि लेते हैं, गर्मी में दोपहर में 1-1 बजे तक वो यहाँ रहते हैं जी। बच्चों के साथ मैंने कई दफ़ा आकर खुद भी चेक किया है, जब भी मैं यहाँ चेकिंग के लिए आया हूँ तब तो मुझे ग्राउंड में ही मिले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल का स्टाफ इस ओर बहुत ध्यान दे रहा है और मैं चाहता हूँ कि जिसके बच्चे इस लायक हैं वो इस स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाए और खेल रीति को आगे बढ़ावा दें जी। हमारे साथ अभिभावक के तौर पे गांव फतेहपुरी के सरपंच भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर आप बताएं, आप इस स्कूल के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि अभी सर ने भी बताया कि जितना भी मैनेजमेंट का जो स्टाफ है वो पूरे तरीके से कोऑपरेट करता है सबको और उसके बाद में जो रिजल्ट निकल करके सामने आते हैं वो आपके सामने। सर ऐसा है, मेरा गांव फतेहपुर बिल्कुल नज़दीक गांव से हूँ जी। इस स्कूल में मेरा लगातार
समय समय पर आना जाना रहता है। तो मैंने एक चीज़ को यहाँ विशेष तौर से देखा है कि बच्चे की मेहनत के साथ साथ यही स्कूल के जो डायरेक्टर सर है राय सिंह जी, वो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा लगन से मेहनत करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राय सिंह सर जी को एक बार पता लग जाए कि इस बच्चे में प्रतिभा इस तरह की, उसके बाद उसको निखारने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। मैंने देखा है कि सर्दी का मौसम चाहे गर्मी का मौसम, जब भी हम स्कूल में आते हैं तो सर इन खिलाड़ी बच्चों के साथ ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं मौजूद। और इस स्कूल का अब तो मैंने देखा है खेलों में तो नाम इसका, इसने पहले भी उदाहरण दिए हैं, रूबीना जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है खुशी के रूप में, और अब ये दो बेटियाँ हैं इन्होंने फिर इस स्कूल का RNS स्कूल का अपने इलाके का नाम रोशन किया है और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन इसके साथ मैं इन डायरेक्टर सर को भी बच्चों के साथ फिर बधाई देना चाहता हूं जो कि बच्चों के साथ बहुत ही मेहनत करते हैं। धन्यवाद सर। सर स्कूल आपका लगातार बुलंदियों को छू रहा है, अभी जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो कहते हैं वाइस प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे हैं, तो क्या मतलब ऐसा करते हैं आप इन लोगों के साथ या इन बच्चों के साथ क्या मेहनत करते हैं जो ये गोल्ड मेडल तक पहुंचते हैं? देखिए ये आप सबका प्यार प्रेम है और बच्चों में प्रतिभा है। देखिए प्रत्येक बच्चा एक स्पेशल है जी। और हर बच्चे में एक प्रतिभा है हमारे पास, हम बच्चे को प्रतिभा के अनुसार उसको वैसा ही माहौल देते हैं। एकेडमिक्स में है, एकेडमिक्स के अंदर स्कूल का कोई इस क्षेत्र के अंदर सबसे सुपीरियर स्कूल है। और आप देखिए हमने अभी पीछे जो है 1% के गैप पे भी 6 बच्चे थे जी। 96 से और 95 के बीच में 6 बच्चे हैं और हमेशा एकेडमिक्स के अंदर IIT हो, नीट हो या NDA हो, सभी के अंदर बच्चे हमारे लगातार सिलेक्शन दे रहे हैं। आप अगर विलेज वाइज देखें तो सबसे बड़ा सक्सेस रेशियो राव निहाल सिंह स्कूल दड़ोली का है। और हम तो एक बात कहेंगे कि दड़ोली जो है वो वैसे भी फेमस है और इसमें भगवान की दया से स्वामी शरणानंद जी महाराज का आशीर्वाद है और सब चीज़ें बड़े अच्छे से चल रही हैं। और हम तो ये कहेंगे कि आप लोगों का प्यार प्रेम है और अभिभावक हमारे पास तत्पर रहते हैं, एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर अभिभावक हमारे पास पहुँचते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स के कोऑर्डिनेशन से स्कूल दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। आपने अभी बताया कि एकेडमिक्स में भी हम काफ़ी आगे, लेकिन स्कूल को खेल की वजह से जाना जाता है, तो क्या एकेडमिक्स कहीं ना कहीं दब नहीं रहा है खेल के आगे? आज के दिन देखिए ज़्यादातर स्कूलों के अंदर एक स्कूल जो होता है उसमें कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ये प्रत्येक पेरेंट्स भी जानता है कि एक स्कूल के लिए खाली एकेडमिक्स ही मायने नहीं रखता। बच्चे के हर एक बच्चा अलग अलग क्वालिटी रखता है, हर एक बच्चे में अलग अलग पोटेंशियल है, चाहे वो स्पोर्ट्स का है या किसी भी बच्चे का एकेडमिक्स का है, तो सबका एक अलग यूनिक प्रॉपर्टी होने के कारण बच्चों का हम वो देखते हैं और सबको पोटेंशियल वाइज हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हम बच्चों को उसी प्रकार का माहौल देते हैं और एकेडमिक्स के अंदर तो इस क्षेत्र के अंदर राव निहाल सिंह स्कूल का बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट है और स्पोर्ट्स के अंदर तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इस क्षेत्र में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसके अंदर स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम आज एक बार फिर से स्पोर्ट्स के अंदर हल्का मचाया है आपके स्कूल ने, लेकिन एकेडमिक्स के बारे में भी बातें होती हैं, मैं सर से भी वही बात कर रहा था, तो एकेडमिक्स में आप क्या कहना चाहती हैं, कहाँ पे स्कूल स्टैंड कर रहे हैं? सर एकेडमिक्स में मैं नहीं, क्योंकि हमेशा जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं वो अच्छी बात बताते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ जब पेरेंट्स बोलते हैं तब स्कूल का कुछ अच्छा सामने आता है। तो मुझसे ना पूछ के पेरेंट्स से पूछिए कि हमारे स्कूल एकेडमिक्स में कहाँ है, और आप यहाँ देख सकते हैं एकेडमिक्स में फुल आउट ऑफ फुल बच्चे ले रहे हैं, 100 out of 100 है, IIT मेंस है, NDA है, नीट है, और व्हाट एल्स, समथिंग इज मतलब एवरीथिंग इज हेयर। आखिर मैं एक प्रिंसिपल के तौर पे आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि अभिभावकों से तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की है अभी, तो उन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट का जो स्टाफ है वो इस तरीके से काम करता है कि बच्चे को यहाँ पे हर तरीके का माहौल, अगर एकेडमिक्स की बात की जाए तो उस वैसा माहौल, और अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो वो माहौल भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाता है, बच्चा अपने आप आगे की तरफ बढ़ता है। तो क्या प्लानिंग होती है आप लोगों की? सर एक्चुअली वी लव ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वी नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जब हम एक एक बच्चे के पास जाते हैं और एक
एक एक को पर्सनली जानते हैं, तो उनको ये भी समझते हैं कि इस बच्चे का पोटेंशियल कहाँ पर है और उसी फील्ड में उस पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर हर बच्चा जो यहाँ आएगा वो हर बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस होगा, आई एम श्योर। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, अपनी प्लानिंग को लेकर के, और यहाँ पे पढ़ने वाले हर बच्चे को लेकर के। तभी इनका कहना है, क्योंकि मैंने अभी अभिभावकों से बात की तो उनका कहना भी यही है और इनका कहना भी सेम ही है कि यहाँ पे आने के बाद में बच्चों को उस तरीके का माहौल मिलता है जिसमें कि वो अपने आप आगे बढ़ते हैं या फिर अपनी चीज़ों को अपने अंदर खुद पनपा लेते हैं और उस स्तर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं जिस स्तर पे यहाँ के आमतौर पे अगर बच्चों की बात की जाए तो वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर हर बच्चे के लिए है वो आप स्वयं ही देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।